और विकासनगर के मुख्य बाजार में एक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग एक कपड़े के 2 मंजिला शोरूम में लगी। आग लगने से कपड़े का शोरूम और उसमें रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इससे पहले आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग पर काबू न होते देख व्यापारियों की दमकल विभाग के साथ नोकझोंक भी हो गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो कपड़े के शोरूम में यह आग लगी है। शोरूम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। भीषण आग का कहर यहां देखने को मिला। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। ये 1:30-2 बजे से आग लगी हुई है, ठीक है। हम मान रहे हैं कि ये लोग पूरा अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 4 गाड़ियां खड़ी हैं। पानी सिर्फ 1 गाड़ी में है। जो शुरू की 2 गाड़ियां आई उसमें आधा आधा पानी था। हम मान रहे हैं कि आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, हम मान रहे हैं कि आपके पास और साधन नहीं है, लेकिन जो हम कोऑपरेट कर रहे हैं, जो हम सलाह दे रहे हैं उसको तो आप मानिए ना। हमारी सलाह मान नहीं रहे हैं, आप काम ढंग से कर नहीं रहे हैं, और जब पूरा बाजार खाक हो जाएगा, जब पूरा बाजार आग लग जाएगी, तब आप हमारी सलाह मानेंगे। सिर्फ हमारा यही कहना है, हमारी इसीलिए बात की नुकझोंक है। देखिए, जो प्रशासन की जो यहाँ पे व्यवस्था लग रही है बिल्कुल नाकाम है। प्रशासन 6 गाड़ियाँ आ चुकी हैं अभी तक, और एक भी गाड़ी पानी अवेलेबल नहीं है, और आग बढ़ती जा रही है। अगर मोहल्ले में किसी और किस में कोई वारदात बड़ी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज जो उनसे बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं नेतागिरी ना करो। जो अधिकारी इनके आए हैं वो गैर जिम्मेदाराना बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप नेतागिरी कर रहे हैं इस मामले में।